अगली टीम पे नजर डालते हैं, कोलकाता की टीम। चार टीमें हुई हैं, चार टीमों पे अभी नजर डाल ली है हमने, तो आइए कोलकाता की टीम पे एक नजर डालते हैं। दो साल इनके साथ कभी हाँ कभी ना हुआ है, पहुंचते पहुंचते बस निकल जाते हैं, नेट रन रेट से पीछे छूट जाते हैं। इस साल चाहेंगे कि इस बात की हैट्रिक ना हो, किसी और चीज की हैट्रिक हो जाए, बस इस बात की हैट्रिक ना हो कोलकाता के लिए। पर एक ही तरीके से आप कर सकते हैं, मैच जीत जाइए तो नेट रन रेट तो खेल में आएगा ही नहीं। पर इनकी समस्या एक है हर्षा भाई, ये 4-5-6 जो है इनका बड़ा तगड़ा है, पर 1-2-3 भी इनको तगड़ा बनाना है अपने बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि ये एक अजीब सी टीम है। 4-5-6 पे इतने जबरदस्त बल्लेबाज हैं उनके, लेकिन सारे 10 ओवर के बाद खेलना चाहते हैं, जो सब नंबर 6 में आना चाहते हैं, तीनों नंबर 6 में आना चाहते हैं। मॉर्गन रशेल, या ये देखिए पिछले साल की बात समझ लिया सर, पिछले साल आशु को पता होगा क्योंकि आशु के बच्चे उस एज के हैं, बर्थडे पार्टी होती है आशु, तो म्यूजिकल चेयर खेलते हैं ना, तो म्यूजिकल चेयर चल रहा था उनके क्रम में पिछले साल, कभी कौन आ जाए 4 पे, कौन आ जाए 3 पे, कब हो जाए विलियन की एंट्री, कब आ रहा है हीरो, कब हीरोइन, कब गाना, कुछ नहीं पता लग रहा था पिछले साल। पर उसके चलते पिछले 4-5 साल का जो रिजल्ट है, परिणाम है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप दोनों कीजिए कुछ। सही बात है, ये देखिए ये कम देखना चाहेंगे हर्षा भाई इनसे इस बारी, पोजिशन दीजिए और रखिए वहां पे ये। और दूसरी बात, सॉरी मुझे, हाँ नहीं, मुझे बस ओवन मॉर्गन की एक बात समझ नहीं आती मुझे, कि इंग्लैंड के लिए 50 ओवर में वो 4 नंबर पे बैटिंग करते हैं जी, और जाते ही बल्ला घुमाना शुरू करते हैं, लेकिन T20 में वो 6 नंबर पे खेलना चाहते हैं जी। तो ऐसा है ना कि जैसे लखनऊ के दो नवाबों की कहानी, पहले आप वाली, तो सारे बैट बैट पहन के बैठे और कह रहे नीतीश राणा जी पहले आप, शुभमन गिल पहले आप, भाई आप पहले आप। तो मुझे लगता है अगर उनको उस भूमिका, वो भूमिका निभानी है 10-20 ओवर खेलने की, तो उनको कोई ऐसा एक बैट्समैन चाहिए टॉप 3 में जो वहां तक खेले। शुभमन गिल एक है ऐसे बैट्समैन, लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि शायद इस साल सुनील नारायण के साथ जो इतने साल उतना साथ निभाया है उन्होंने, शायद शाकिब खेले वहां पे पहले 3 नंबर पे, और अगर शाकिब अल हसन खेले 3 नंबर पे, तो आप नीतीश राणा से ओपन करवा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि भाई आप खुले आराम से आप खेलो जैसे आप खेल सकते हो, शाकिब 3 और फिर 4-5-6 पे ये 3 लोग आ जाएं, और 7 नंबर पे उनका एक हर साल फ्लोटर होता है। तो मेरी एक थियरी है, मैं पता नहीं आशु सहमत हो कि नहीं मेरे से, कि मुझे वो चेन्नई सुपर किंग्स वाली थियरी मुझे बड़ी अच्छी है, कि उनके पास वो छाता वाला प्लेयर होता था बद्रीनाथ, अगर आपके 2 विकेट जल्दी गिरे तो भाई बारिश हो गई, आप बद्रीनाथ को भेजो, कहो भाई आप 5-6 ओवर खेल के संभाल लो यहाँ पे। मुझे लगता है वो रोल करुण नायर का हो सकता है, कि अगर आपके पहले विकेट गिरे तो करुण नायर से आप संभाल लो, अगर विकेट ना गिरे तो करुण नायर से कहो भाई डीप में कैचेस अच्छे पकड़ना और कुछ काम नहीं आप। नहीं मैं देखिए वो जो आपने छतरी वाली बात कही कि आप टीम वही अच्छा करती है जो हर मौसम के लिए तैयार रहे, तो चेन्नई सुपर किंग ने छतरी रखी थी और वो छतरी का इस्तेमाल किया। यहाँ पे सिर्फ दिक्कत ये है कि ये छतरी थोड़ी ऐसी है कि इसमें ना छेद कुछ काफी हो चुके हैं पिछले 3-4 साल में, तो पहले आपको उसको ना अच्छे से सीलना पड़ेगा और उसके बाद उसमें भरोसा जिताना पड़ेगा। तो या तो आप सोच ऐसी रखें कि ये छतरी ना सिर्फ है घर में पर निकालनी नहीं बाहर, चाहे बारिश तेज हो रही हो चाहे धीरे हो, हमारे हैदराबाद वाली छतरी हो गई वो, साल में एक बार निकालते थे बस, हम लोग कहते थे बारिश हुई तो घर में बैठो, जब बारिश खत्म हो गई निकलो। देखिए मैं ये कहता हूँ कि IPL में आप अपना माइंड हमेशा ओपन रखिए, पर एक जब आप प्लेयर्स की बात करते ना, कि जैसे आपने करुण नायर का नाम लिया कि उन्होंने 300 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार, उसके बाद चीजें अच्छी नहीं रही, फेयर इनफ, या तो सोच आप ऐसी रखें कि आपने उनको अपनी टीम में ही नहीं लिया ऑक्शन में, कि चाहे वो 20 लाख में मिल रहे हैं, पर अगर आपने उनको ले लिया आप उनको पूरी रिस्पेक्ट दीजिए, आप उनको देखिए कि कहाँ बेस्ट इस्तेमाल हो सकता है, कि आप किसकी बात कर रहे हैं साथ, राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा, तो वो भी ऐसा नहीं है कि दोनों ने बड़े साल से खेल रहे हैं आप उनको हिला नहीं सकते, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप करुण नायर को बिल्कुल ऐसा पीछे मत रखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको भी नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी के साथ साथ रखिए, फिर आप देखिए उनकी कहाँ जरूरत होती है, किस प्रकार उनका इस्तेमाल हो सकता है, वो बहुत जरूरी, वो काम है कोच का, कप्तान का, मैनेजमेंट का, कि जब वो वहाँ नई फ्रेंचाइजी में आए आप उन्हें कितना महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, कि आप हम कि आप उस पर कितना विश्वास दिखाते हैं, वो बहुत जरूरी रहेगा करुण नायर के केस में। या फिर आप कहें कि यही हमारी बैटिंग ऑर्डर रहेगी, 7 नंबर खाली है पड़ा हमारा, वहां पे हम गुरकीरत मान जैसे प्लेयर को खिला देंगे, क्योंकि गुरकीरत अभी आया हुआ है वहां पे, तो आप गुरकीरत को 7 नंबर पे खिलाएं, फील्डर भी बड़ा जबरदस्त है, 1-2 ओवर दे देगा आपको अगर जरूरत पड़ी स्लो ट्रैक पे, और कहें कि भाई आपका ये रोल है 7 नंबर पे, आप वैसे ही प्रैक्टिस कर लिए, आप 10-15 बॉल के बैट्समैन हैं बस। तो ये जैसा आशु ने कहा, आप रोल क्लियरली बता के कॉन्फिडेंस दीजिए। नहीं क्योंकि अच्छा भाई, जब ये जो खिलाड़ी है ना, जब आप बात करते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, या आप बात करते हैं एंड्रयू रसेल और MS धोनी, ये एक्सपीरियंस जो भी है उनको पता है उनका रोल क्या है,
कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अलग अलग फ्रेंचाइजियों से आए हैं, कभी साल अच्छा रहा है कभी नहीं रहा है, तो सारा का सारा निर्भर करता है कि आपकी मैनेजमेंट, कोच, कैप्टन उनसे कैसे बात करते हैं, उनको क्या रोल देते हैं, किस तरीके से उनकी तरफ देखते हैं। अगर आप नंबर 7 की बात कर रहे हैं, 14 में से शायद 7 या 8 मैच में बल्लेबाजी भी ना आए, तो गुरकीरत मान एक बड़ा अच्छा फिट है दादूंगा इनकी रिप्लेसमेंट की, जो इन्होंने रिप्लेसमेंट ली है, कि उनके पास वो एक्सपीरियंस है कि अगर उन्होंने 8 बॉल खेली और किसी दिन 17-18 रन बना दिए तो वो हो गया ना उनका काम, वो बहुत जरूरी है। तो वो बहुत, जो टीम वो बेहतर करती है, गौतम गंभीर से बेहतर अभी तक केकेआर में किसी ने नहीं किया। मेरे लिए 2 बार अगर नहीं भी जीतती केकेआर या 3 बार जो भी जितनी बार भी जीती है, अगर केवल क्वालिफाई भी करते जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी करी है और टीम को चलाया केकेआर की, उनके जाने के बाद कोई उनके आसपास भी नहीं आया अभी तक मेरे हिसाब से, कप्तानी में भी और टीम चलाने में। और पिछले साल 7 नंबर पे पैट कमिंस भी खेले थे, कभी कभी अच्छे रन भी बनाए थे उन्होंने, अर्धशतक भी बनाया था एक, तो क्या पता उनको खिला ले। पर फिर आपके पास खूब सारे गेंदबाजी के विकल्प हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास फिर टॉप 6 में शाकिब के भी ओवर है, एंड्रे रसल के भी ओवर है, तो क्या इवन मॉर्गन कहेंगे कि मैं अपने साथ अब 25 या 30 ओवर लेके जाना चाहता हूँ फील्ड पे और फिर उसके बीच में मैं चूज करूंगा, तो क्या करें? देखिए दिल तो सबका करता है कि सब 30 ओवर 28 ओवर लेके जाए, पर मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं तो कम से कम 22-23 जरूर लेके जाने चाहिए। तो 22 आंड्रे रसल जो है ना वो एक बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस प्रकार मुंबई इंडियन के लिए हार्दिक पांडे एक महत्वपूर्ण कड़ी है, पर उनकी वो थोड़ी भरपाई कर देते हैं किरण पोलार्ड, वो नींबू छोड़ देते हैं 1-2 ओवर, वो नींबू बड़े ग्राउंड में काम आ जाते हैं, चाहिए 1-2 खिलाड़ी। लॉकी फर्गूसन में लास्ट ईयर भी मैंने देखा कि उन्होंने एक मैच में 5 विकेट लिए, उसके बाद एक ही मैच खेले और फिर उन्होंने पानी पिलाया। लॉकी फर्गूसन भी एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे केकेआर के लिए, बिल्कुल है, पर आप उनको खिलाएंगे कहां पे फिर? तो आप मॉर्गन आपके कप्तान है, नहीं आप अपना देखिए, आप जैसी पिच होगी आपके पास ऑयन मॉर्गन है, ठीक है, आंड्रे रसल है 2, पैट कमिंस 3, लॉकी फर्गूसन 4। अगर आप प्राइस पे नहीं जाएंगे, देखिए क्योंकि मेरी सोच ऐसी है केवल प्राइस नहीं होना चाहिए, तो अगर पैट कमिंस ने बहुत अच्छा किया है पर लॉकी फर्गूसन को भी मैं उनके बराबर ही आंकता हूँ, जिस तरीके ये गेंदबाज हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल गेंदबाजी करी है, आप आंख बंद करके ये नहीं कर सकते कि केवल पैट कमिंस को ही खिलाएंगे क्योंकि उनको आपने इतनी भारी राशि मिली है। अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है लॉकी फर्गूसन ज्यादा बेहतर विकल्प है तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लॉकी का फायदा यह है कि अगर उनको घर खरीदना हो ना तो सिडनी वाली बीच फ्रंट प्रॉपर्टी उतनी उनको खरीदनी नहीं पड़ेगी, शायद न्यूजीलैंड में सस्ता मिले। अभी आप सब्जियों की बात कर रहे थे, अभी लॉकी पे बात आ गई है, चलिए देखते हैं कि कितने अंक देखते हैं कितने अंक दिए हैं सबने इनके चांसेस को। कोलकाता क्या इस साल कर पाएगी 3.5-3.5 और एक बार फिर लीड में आशीष नेहरा, बड़े दिल वाले।